नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की प्रचारक हूँ। मैं मेरे गुरुजी श्री बी.वी. चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत वंदन करती हूँ और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम करती हूँ। आप सभी लोग हमारी वीडियो देखते हो और देखने के बाद हमें कमेंट भी करते हो, हमें यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में फीडबैक देते हो, हमारी वीडियो बहुत लोगों से शेयर करते हो, तो लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, बेल आइकॉन करते हो, तो हमें अच्छा लगता है। आपको नई नई रेसिपी बना के दिखाने का मुझे बहुत पसंद आता है। आपको जब भी दिखाती हूँ तभी मुझे अच्छा अच्छा खाना मिल जाता है। तो मैं और मेरा फैमिली टोटली रॉ डाइट पे है, तो हम इतने टाइम से हम कर रहे हैं ये न्यू डाइट सिस्टम, तो हमारी बॉडी को अभी डिटॉक्स करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पूरा बॉडी है वो अल्कलाइन हो गया है, मतलब कि जितना भी पकाया हुआ खाते हैं तो बॉडी एसिडिक हो जाती है, लेकिन अगर हम परमात्मा का बनाया हुआ खाते हैं, जो ईश्वर ने बनाया है, जो प्रभु ने बनाया है, जो भगवान ने बनाया है, वो जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी है वो बहुत ही तंदुरुस्त हो जाती है। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है, कभी भी हॉस्पिटल की मुलाकात या फिर रिपोर्ट्स करवाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम लोगों की बात करते हैं कि हम इतने टाइम से कर रहे हैं ये न्यू डाइट सिस्टम, तो हमारे लिए अभी ग्रीन जूस कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ग्रीन जूस जो नए नए साधक हैं, जो अभी स्टार्ट किया है, जिसको बहुत बीमारियाँ हैं, उनको ग्रीन जूस पीना कंपलसरी है। लेकिन अगर हमारे जैसा बॉडी है, इतने सालों से हम रॉ डाइट पे ही है, लंच है, डिनर है, ब्रेकफास्ट है, स्नैक है, कभी भी खाते हैं, कभी भी पीते हैं, कुछ भी, तो हम अभी रॉ डाइट पे ही है पूरी लाइफ टाइम के लिए, तो हमारे बॉडी को इतना ग्रीन जूस की ज़रूरत नहीं है। ग्रीन जूस पियो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कई कई साधक का ऐसा फ़ोन आया था कि अभी रेनी सीजन में ग्रीन जूस बहुत अच्छा, पत्तियाँ मिल नहीं रही है, तो क्या करें। तो मैं उनके लिए आज ये वीडियो बना रही हूँ कि पोमोग्रेनेट का जूस, मतलब कि अनार का जूस, तो अभी मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे अनार आ रहे हैं, चाहे उसमें से वाइट दाने निकलते हैं या रेड दाने निकलते हैं या पिंक दाने निकलते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बाहर से काला है या बाहर से कोई भी कलर का है, वो भी हमें कोई मतलब नहीं है। इसके अंदर जो दाने हैं उसका जूस हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं दो जूस बनाने वाली हूँ, क्योंकि एक जूस बना के सिर्फ चली जाऊँगी तो आपको लगेगा कि ये तो सिर्फ इतनी सारी बातें करते हैं, लेकिन मेरी बातों में भी आपका सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी निकल जाएगा। तो आज मैं दो टाइप के जूस बनाने जा रही हूँ, एक तो है पाइनएप्पल का और एक है पोमोग्रेनेट का, मतलब कि अनार का, गुजराती में दाडम बोलते हैं। तो ये जो दाडम है वो अभी बहुत मार्केट में आ रहे हैं, तो मैं अभी गई थी मार्केट में तो 50 केजी दाडम ले आई हूँ। न्यू डाइट सिस्टम के अहमदाबाद के साधकों को भी बताना चाहती हूँ कि मेरे यहाँ पे ऑर्गेनिक सभी फ्रूट्स और कई कई वेजिटेबल्स, जैसे कि पम्पकिन है, वैसा भी सभी मैं रखती हूँ मेरे NDS हेल्थ सेंटर पे, क्योंकि अगर अच्छा खाते हैं हम, श्रेष्ठ लेते हैं हम, हमारे लिए जो बेस्ट ले आते हैं, तो हमें ऐसा होता है कि हमारे अहमदाबाद के साधकों को भी जल्दी से जल्दी ऐसा अच्छा अच्छा मिल जाए फ्रूट। तो ये मैं जो फ्रूट बता रही हूँ आज, अनार का जूस, तो मैं जूस की बात करना चाहूँगी पहले तो, कि जिस जूस किसको ज़रूरी है। तो एक तो जो बहुत बीमार है उनको जूस पीना है, दूसरा कि जो बहुत मोटे हैं उनको जूस पीना है, जिसको वेट लॉस करना है उसको पीना है, तीसरा अगर किसी की शादी एक महीने के बाद है और उनकी बॉडी को अल्कलाइन कर देना है, उनकी बॉडी में से सारे टॉक्सिन निकाल देने हैं, बॉडी को डिटॉक्स कर देना है, ब्यूटी पार्लर में नहीं जाना है, और अभी जब भी आपकी शादी हो तो जब भी आप शादी के फेरे लेते हो या मंडप में बैठते हो तो आपकी स्किन ग्लो होनी चाहिए, डल नहीं दिखनी चाहिए। तो बाहर से फेशियल कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, उससे सिर्फ 4-5 घंटे या एक दिन में ही शाइनिंग दिखेगी, चाहे आप
10,000 का फेशियल करा लो या 8,000 का फेशियल करा लो या 500 रुपए का फेशियल कराओ, ब्यूटी पार्लर में ट्रीटमेंट लेने से सिर्फ आउटडोर अच्छा होता है, मतलब कि हमारा आउटिंग जो है वो ही क्लियर होता है, लेकिन हमें जो क्लीन करना है वो इनसाइड से क्लीन करना है। तो आप बोलोगे कि इसमें तो ज़्यादा खर्चा हो जाता है, इतना सारा ज्यूस का खर्चा हम नहीं कर पाते। तो अगर आप बीमार पड़ते हो, हॉस्पिटल जाते हो, डॉक्टर्स का खर्चा करते हो या फिर मेडिसिन का खर्चा करते हो, रिपोर्ट करवाते हो, डॉक्टर्स को कंसल्टिंग फी लेते हो, तो कितना सारा खर्चा हो जाता है। उससे कम खर्चे में ये जूस हम पी सकते हैं। और ये जूस पीने के बाद हमें लंच में रोटी सब्जी दाल चावल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा सा सलाद साथ में खा लेते हैं तो भी काम चल जाता है। ये पोमोग्रेनेट का एक ग्लास जूस पीने के बाद हमें 3 से 4 घंटे तक भूख नहीं लगती है, क्योंकि इतने सारे पोमोग्रेनेट में से जितना भी जूस निकलेगा तो वो हमारा खाना ही है, वो ही हमारा आहार है। तो आज मैं जूस डाइटिंग के बारे में बात करती हूँ कि जूस डाइटिंग क्या है। तो हम सुबह से लेकर रात तक जितनी भी बार भूख लगती है तो हम जूस पी सकते हैं, और जितनी भी बार हमें प्यास लगती है तो भी हम जूस पी सकते हैं। चाहे दोपहर में आप कोई और भी फ्रूट का जूस पी लो, शाम को आप कोई वेजिटेबल्स का जूस पी लो, सुबह में ग्रीन जूस पी लो, कोई भी जूस पी सकते हो। तो ये क्या हो गया कि जूस फास्टिंग। अगर कोई पेशेंट को क्रॉनिक डिसीज है, अर्थराइटिस 30 साल से है या फिर डायबिटीज 25 साल से है, या फिर 108 kg या 110 kg वेट हो गया है, या फिर नी रिप्लेसमेंट का डॉक्टर ने बोला है, या फिर कोई न्यूरोलॉजिस्ट का प्रॉब्लम आ गया है, कोई भी बॉडी में प्रॉब्लम होगा, कैंसर भी होगा, तो भी जूस थेरापी से ठीक हो जाता है। 90 day to 120 day तक अगर आप जूस फास्टिंग करोगे तो आपके बॉडी में से जितने भी रोग होंगे, जितने भी डिसीज होंगे, वो सारे चले जाएंगे। इसमें क्या होगा कि आपका जो वेट है वो 10 किलो 5 किलो 20 किलो कम होगा। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मैं बहुत पतला हो गया। हमारे बॉडी में से जितना टॉक्सिन होगा तब तक हमारा वेट लॉस होता है। सभी लोग बोलने आएंगे कि कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, कुछ खाया करो, या फिर बॉडी को तो आपकी बॉडी में से तो सिर्फ हड्डियाँ दिखने लगी है। तो हमें किसी का नहीं सुनना है, हमें सिर्फ परमात्मा का सुनना है कि भगवान का बनाया हुआ जूस पीने से अगर इतने सारे डिसीज चले जाते हैं, जितनी भी गोलियां खाते हैं वो सभी गोलियों की साइड इफेक्ट होती है, कुछ भी फायदा नहीं होता है। 25 साल तक दवाइयां खाने से कुछ फायदा नहीं होता है। पूरी जिंदगी की आपकी कमाई पूरी एक दिन में या 5 साल में या 5 महीने में डॉक्टर्स को दे देनी पड़ती है, रिपोर्ट्स में, मेडिसिन में, कंसल्टिंग में। बहुत सारे एक डॉक्टर्स के पास गए, फिर दूसरे डॉक्टर्स का ओपिनियन, फिर तीसरे डॉक्टर्स का ओपिनियन, फिर ये डॉक्टर बोलेगा कि ये रिपोर्ट, ये बोलेंगे कि ये रिपोर्ट, कोई बोलेगा अहमदाबाद जाओ, कोई बोलेगा सूरत जाओ, कोई बोलेगा पाटन जाओ, कोई बोलेगा बॉम्बे जाओ, कोई बोलेगा दिल्ली जाओ, कोई बोलेगा अमेरिका चले जाओ, एब्रोड है सबसे बड़े डॉक्टर। तो आप क्या करोगे कि कुछ भी सबका सुन सुन के सब कुछ चालू कर देते हो। ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 90 day तक आप जूस फास्टिंग करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम चला जाएगा, फिर वेट लॉस हो जाएगा। उसके तो क्या, उसका तो फिर भी वेट गेन का भी तरीका है ये न्यू डाइट सिस्टम में। मेरी वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, लिंक मैंने दी हुई है, वेट गेन कैसे करना है, वेट लॉस कैसे करना है, क्रॉनिक डिसीज कैसे अच्छा करना है, डिसीज कैसे अच्छा करना है, रसाहार मतलब जूस फास्टिंग में क्या करना है, मोनो डाइट में क्या करना है, तो बहुत सारी वीडियो है, तो मैं इसके बारे में भी आपको बताती रहूंगी। तो आज जो मैं लेके आई हूँ ये मेरा जूसर की एजेंसी है। मैं डॉक्टर ऐसी हूँ कि कोई भी प्रिस्क्रिप्शन से पेशेंट को मेडिसिन नहीं देती हूँ। देखो ये मेरा अच्छा सा एकदम पोमोग्रेनेट है जिसके मैं 2 टुकड़े कर देती हूँ, और ये जो आपको जूसर दिखता है ये जूसर की मेरी एजेंसी भी है। आपको कहीं पे भी मंगवाना हो तो मैं कुरियर से आपको भेज सकती हूँ। ये मेरे घर का यूज़ करने का ये मशीन है, मैं उसमें आपको पोमोग्रेनेट का जूस बना के दिखाती हूँ। तो उसके लिए ये
पोमोग्रेनेट एक ऐसी चीज है कि जिसके अंदर जो कलर है, मतलब कि उसका रस है, वो रस का कलर जाता नहीं है। चाहे आप कोई भी साबुन यूज कर लो या कोई भी पाउडर यूज कर लो या पूरी रात पानी में भिगो के रख दो तो भी जूस जाता नहीं है, उसका कलर कपड़े पे बैठ जाता है। तो मैं अभी ये कपड़े मेरे गंदे ना हो जाए इसके लिए मैं एप्रन पहन लेती हूँ। तो ये जो आधा है इसको आधा कर देना है, पोमोग्रेनेट को आधा कर देना है। ये जूसर है, इसके अंदर पाइनएप्पल का भी जूस निकलता है, पोमोग्रेनेट का, नींबू का। अभी नींबू बहुत सस्ते हैं, 20 रुपये के केजी है। फिर जब ये समर आता है तो 100 रुपीज़ की केजी हो जाते हैं। तो जूस को भी आप इसमें 5 किलो 4 किलो जूस आप निकाल के फ्रिज में एक बॉटल रख दोगे तो भी आप नींबू ख़राब नहीं होता है उसका जूस। तो इसमें से मौसम्बी का रस, ऑरेंज का रस, नींबू का रस, पोमोग्रेनेट का रस, अनार का, मतलब कि बहुत सारे जूस निकलते हैं। इसकी 20 साल की गारंटी है, 20 साल की गारंटी और कोई नहीं देता है, इसको कुछ भी नहीं होता है। तो इससे इस आपके सामने मैं जूस निकाल के बताती हूँ। तो ये मेरे थोड़े से पोमोग्रेनेट है, जो इसको सिर्फ आगे से पीछे से थोड़ा सा कट कर लेना है और इसके दो टुकड़े कर देती हूँ मैं। अगर आप ग्रीन जूस पी के थक गए हो या ग्रीन जूस अवेलेबल नहीं है कहीं मार्केट में बाहर गए हो तो भी आप कोई भी जूस बना के पी सकते हो। तो हमें नेचुरल पीना है, सीजनल पीना है, रीजनल पीना है, ओरिजिनल पीना है। जब भी मार्केट में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ दिखे वो हमें खानी है। वो चीज़ 50 की केजी हो जाएगी या 100 की, 10 रुपये केजी कभी कभी हो जाती है, कभी कभी 20 रुपये केजी मिल जाती है। और घर में फैमिली में सारे लोग अगर करेंगे तो बहुत सस्ता पड़ता है। एक साथ 10 किलो ले आओ या 20 किलो ले आओ तो बहुत सस्ता पड़ता है। वैसे 1-1 केजी लेने जाते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है। और ये फ्रूट एक वीक तक बाहर फ्रिज के बाहर रहता है तो भी नहीं बिगड़ता है, फ्रिज के अंदर 10-15 दिन तक भी नहीं बिगड़ता है। तो पोमोग्रेनेट आप ले आइए और ऐसा अच्छा अच्छा जूस पिए। डॉक्टर्स को पैसे नहीं देने हैं, बीमार नहीं पड़ना है। अगर बीमारियां आ गई है तो उसको भगा देना है। डॉक्टर्स बोलेंगे कि खट्टा मत खाओ, सूजन आ जाएगी, या फिर डॉक्टर्स ऐसा बोलेंगे कि ये फ्रूट ना खाओ। तो अगर दो चॉइस है आपके पास, या तो फिर पका के खाओ, उसके साथ पूरी जिंदगी दवाइयाँ खाओ। दूसरा ऑप्शन ये है कि भगवान का बनाया हुआ सारा आहार लो और पूरी जिंदगी दवाइयाँ ना खाओ। मैंने आपको दो रास्ते दिखा दिए हैं, आप कुछ भी चॉइस करके आप अपने मुताबिक कर सकते हो। मेथड 1 जो है उसमें ऐसा कहा गया है कि शाम को पकाया हुआ खाओ, लेकिन मैं क्या करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ कि पूरे दिन जूस पे रहती हूँ और शाम को डिश भर के फ्रूट ले लेती हूँ, डिश भर के सलाद ले लेती हूँ। और कभी कभी ऐसा जूस अवेलेबल नहीं होता है तो दोपहर में बहुत सारे फ्रूट्स खा लेती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग, बॉडी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन शर्त NDS में मेरी ये है कि पकाया हुआ खाना नहीं है, घर में पकाने का भी नहीं है। एक साल का बच्चा है या 10 साल का है या 18 साल का है या 80 साल का आपके घर पे बुजुर्ग है, किसी को भी पकाया हुआ खाने की जरूरत नहीं है। ऐसा अच्छा अच्छा खाइए। ये जो है जूस, उसको सिर्फ प्रेस करने से सब निकल जाता है और बहुत ही इजी है। घर में कोई भी आपके बच्चे या आपके हस्बैंड या आप खुद सिर्फ एक बार दबाने से सारा जूस बाहर आ जाता है। ये जो है देखो, इसमें कुछ भी नहीं बचता है, सिर्फ और सिर्फ इसके दाने जो होते हैं वो दब जाते हैं और इसके नीचे से जूस बाहर आ जाता है। तो ये मेरा ग्लास है, वो मैं पूरा भर जाती हूँ, तब तक मैं ये सारे के सारे पोमोग्रेनेट का जूस बना के आपको दिखा देती हूँ। तो पोमोग्रेनेट का जूस मैंने ये मशीन में निकाल दिया है। ये मशीन का फ़ायदा ये है कि ये इलेक्ट्रिक नहीं है, हैंडमेड है, मतलब कि हम हाथ से निकाल सकते हैं, कभी इलेक्ट्रिक नहीं हो तो भी चल सकता है। दूसरा ये फ़ायदा है
कि हम कहीं घूमने जाते हैं एक या दो दिन के लिए तो भी ये लेके साथ में जा सकते हैं। तो हम कहीं पे भी होंगे तो हम पोमोग्रेनेट का जूस निकाल के हम पी सकते हैं। तो ये पूरा ग्लास मेरा भर गया है, इतना फ्रेश है। देखो पानी की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दिन में 4 ग्लास 5 ग्लास 10 ग्लास पानी पियो। मैं पानी नहीं पीती हूँ। देखो ये 1 ड्रॉप भी इसके अंदर पानी नहीं है, ये एकदम प्योर है। और इसको हमें और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये मेरा ये चाट मसाला है जो मेरा हेल्थ सेंटर का है। आपको भी अगर मंगवाना हो तो टेस्ट करने के लिए मंगवा सकते हो, बहुत ही टेस्टी है। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ उसको आधा चम्मच इसके अंदर में ये चाट मसाला डाल देती हूँ और आप कभी भी पी सकते हो, लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में, स्नैक में, रात को, दिन में, सुबह में, कभी भी आप पी सकते हो। ये इतना अच्छा टेस्टी टेस्टी जूस है। देखो परमात्मा ने कितना सारा पानी दिया है और वो भी रस है, जो अनार का रस है वो हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। स्किन पे झुर्रियाँ पड़ जाती है वो भी इससे गायब हो जाती है, बहुत सारा फैट होता है वो भी पिघल जाता है, बहुत सारे डिसीज होते हैं वो भी चले जाते हैं। तो जिसको बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम है उनको दवाइयाँ का खर्चा नहीं करना है, पकाया हुआ खाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जूस पे आ जाना है। तो जैसे ये मैंने अनार का जूस बनाया है सेम वैसे ही मैं अभी पाइनएप्पल का भी जूस बना के दिखाती हूँ। पाइनएप्पल का जूस भी इसके अंदर भी निकलेगा और फिर जूसर बे में निकलेगा, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मेरा पोमोग्रेनेट का जूस, अनार का जूस तो रेडी हो गया है। देखो अभी ये जो पाइनएप्पल है इसका मैं जूस निकाल के दो तरीके से आपको दिखाती हूँ। एक तो ये हैंड जूसर है, इसमें भी निकलता है, और ये जूसर है सुजाता का, उसमें भी निकलता है। तो ये जो पोमोग्रेनेट है आप ऐसा ये जो पाइनएप्पल है तो आप ऐसा मत सोचना कि इसको हम काटेंगे कैसे या फिर इसके जो कांटे होते हैं वो लग जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो ये सिंपल सी छुरी है, इससे भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये ऊपर का सिर्फ कांटे वाला जो पोर्शन है वो ही निकालना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ इतना निकल जाएगा, फिर उसके टुकड़े कर देने हैं। देखो ये एकदम इजीली निकल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि दुकान से वहाँ लारी से कटवा के आएंगे तो ही है। हम एक साथ 100 केजी ले आते हैं और कभी भी 80 केजी 90 केजी जितना भी घर में जगह होती है सारा फ्रूट से भर देते हैं ये। तो ऐसे करके ये सारी की सारी इसकी सिर्फ स्किन निकालनी है हमें, और इससे कुछ लग भी नहीं जाता है, ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखो सिंपल 2 मिनट में ये सारा जो है वो निकल जाता है। अगर कोई पोर्शन बच गया हो तो भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सुजाता है वो थोड़ा बहुत उसके अंदर कचरा ये जो हार्ड पोर्शन रह जाता है तो भी इसका जूस निकाल के देता है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके मैं बीच में से 2 टुकड़े कर देती हूँ। देखो बीच में से ये पाइनएप्पल के 2 टुकड़े कर दिए हैं और इसके भी अभी मैं फिर से टुकड़े कर देती हूँ। तो 2 टुकड़े करने के बाद इतने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं, अभी ये टुकड़े को सिर्फ यहाँ पे रखना है और कुछ नहीं करना है, और हमें दबा के जूस निकालना है। अगर फिर ये जो बचा हुआ पार्ट है वो भी आपको खाना हो तो खा सकते हो, और वैसे भी जूस जो होता है वो इजीली निकल जाता है। ये सुजाता में से सारा का सारा, कोई इंसान के दांत भी नहीं होते हैं तो भी ये जूस से सारा जूस निकल जाता है। इसमें से थोड़ा रस निकलेगा या ज़्यादा रस निकलेगा, लेकिन अमृत जो है वो हमें पीना है। हमें कोई भी वो चाय होती है, दूध होती है, शक्ति वाला प्रोटीन का पाउडर होता है, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं पीना है। जो भगवान ने बनाया वैसा का वैसा ही पीना है। अभी मैं मोनो डाइट की भी बात करना जा रही हूँ। तो मोनो डाइट क्या है कि सुबह से लेके रात तक आप सिर्फ अनार का जूस पियो, तो ये मोनो डाइट हो गया। दूसरे दिन जो है वो पूरे दिन सुबह में, शाम में, डिनर में, लंच में,
कभी भी भूख लगती है, प्यास लगती है, कोई बोलेगा पानी पी सकते हो तो जरूरत हो तो पी सकते हो, ऐसा नहीं है कि कंपलसरी 4 लीटर पानी पी जाना है। अगर हमने ककड़ी टमाटर ये सब जूसेस पिए हैं तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो 2 मिनट में ऐसा जूस निकल जाता है। ये ही जो जूस है वो मैं जूसर में भी दिखाती हूँ। तो अनार का अगर आज पूरा दिन पिया तो आज अनार का ले लो तो पेट को डाइजेस्ट होने में इजी हो जाता है, हीलिंग प्रोसेस बढ़ जाती है। दूसरे दिन पूरे दिन आप पाइनएप्पल का ले लो, तीसरे दिन जो है वो पूरे दिन क्यूकम्बर का ले लो, चौथे दिन जो है वो पूरे दिन टमाटर का जूस ले लो, पांचवे दिन है वो पूरे दिन लौकी का जूस पी लो, छठे दिन है वो पूरे दिन पम्पकिन का जूस पी लो, तो 6 दिन हो गए। सातवें जो दिन है वो निर्जला फास्टिंग करना है, कुछ भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं पीना, लगातार 7 दिन तक 7 अलग अलग जूस पे आप डाइट कर सकते हो। या तो फिर ऐसा भी कर सकते हो कि सिर्फ पाइनएप्पल के ऊपर आप 10 दिन निकाल दो, या 1 वीक निकाल दो, या 1 महीना निकाल दो, तो भी कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, मैग्नीशियम, जितना भी फाइबर, जितना भी आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है वो सारी इसमें से मिल जाती है। ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि B6 कहाँ से मिलेगा, B12 कहाँ से मिलेगा। एक साधक का ऐसा भी फोन था कि विटामिन डी कहाँ से मिलेगा, तो विटामिन डी की मैं बात करूँ, जितने भी फल भगवान ने उगाए हैं, परमात्मा ने उगाए हैं, वो सनलाइट की मदद से, सूर्य प्रकाश की मदद से सभी फल उगाए हैं। तो अगर कोई फॉरेन में है या फिर इंडिया में है और सन नहीं आ रहा है, तो धूप नहीं आ रही है, तो जितने भी फल खाएंगे तो इनडायरेक्टली हमें फल में से विटामिन डी मिल जाता है। उसके लिए डॉक्टर के पास जाके प्रिस्क्रिप्शन लिखवाना जरूरी नहीं है, मेडिकल स्टोर जाके दवाइयाँ लाने की ज़रूरत नहीं है, विटामिन्स की सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। कई कई कंपनियों के तो इतने सारे सप्लीमेंट्स होते हैं कि 1 महीने का खर्चा 10,000 रुपये आ जाता है। सुबह में ये गोली, शाम को ये D3 की गोली, B6 की गोली, B12 की गोली, कैल्शियम की गोली, प्रोटीन की गोली, विटामिन्स की गोली, ये कोई गोली खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इतने सारे विटामिन्स चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ आपको किचन में नहीं जाना है, गैस चालू नहीं करना है, जो भी खाते हैं वो सत्व तत्व वाला खाना है। ये सुजाता का जूसर है, इसमें भी ये ये जो पाइनएप्पल है इसका भी बहुत अच्छा सा जूस निकल जाता है, तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। सारा जूस निकल गया है, तो अब हमें इसको सिर्फ चाट मसाला ही डालना है। चाट मसाला भी टेस्ट के लिए डालना हो तो डाल सकते हो, नहीं डालोगे तो भी चलेगा। तो ये चाट मसाला इसके मैं डाल रही हूँ, और कैंसर के लिए कितनी महंगी दवाइयाँ आती है और वो दवाइयाँ खाने से बहुत सारी साइड इफ़ेक्ट होती है, वो सारी साइड इफ़ेक्ट से बचना हो तो पैसे की कभी सोचना नहीं है कि ये महंगा पड़ेगा, हॉस्पिटल से खर्चे से ये ज़्यादा अच्छा है। और कैंसर हो जाए उसके बाद क्यों जूस पीना है, पहले से हम तंदुरुस्त है तभी जूस पीना चालू कर दे। चाहे एक साल में दिवाली पे एक कपड़े कम लाओगे तो चलेगा, या फिर घर में एक चीज़ कम लाओगे तो चलेगा, लेकिन आपका जो बॉडी है उसको तंदुरुस्त रखने का सोचो। तो आपकी बॉडी को अगर तंदुरुस्त रखना है तो ऐसा अच्छा अच्छा जूस अभी से पीना चालू कर दो, डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े, बीमारियां आए ही नहीं। देखो ये इतना अच्छा जूस, ये छोटा सा पाइनएप्पल था इसलिए मेरा 1 गिलास जूस निकला है, बड़े पाइनएप्पल से 2 गिलास भी जूस निकलते हैं। 1 गिलास जूस पीने के बाद भी 4 घंटे तक भूख नहीं लगती है,
तो आप कभी ऐसा मत सोचना कि इतना जूस में क्या होगा। तो रोटी दाल चावल थाली भर के हम खाएंगे तो ही पेट भर जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी को क्लींजिंग करना है, मतलब कि सारे के सारे बॉडी में से टॉक्सिन निकाल देने हैं। तो ऐसा अच्छा अच्छा जूस हमें पीना है। तो आज तो मेरे ब्रेकफास्ट में दो दो जूस हो जाएंगे, लेकिन दोनों जूस मैं एक साथ नहीं पीती हूँ, एक एक घंटे का या आधे घंटे का बीच में टाइम रखती हूँ। ग्रीन जूस पीना हो तो पी सकते हो, अगर आप ग्रीन जूस से थक गए हो तो ऐसा जूस भी आप डायरेक्ट पी सकते हो। तो ये मेरा जूस रेडी हो गया है। आपको हेल्थ के रिलेटेड, मोनो डाइट के रिलेटेड या जूस फास्टिंग के रिलेटेड कोई पूछेगा कि कितना जूस पी सकते हो, तो कोई लिमिट ऐसी तय नहीं है। जितनी बार भूख लगे इतनी बार जूस पी सकते हो, जितना जितनी पेट में भूख हो उतना जूस पी सकते हो। तो एक लीटर दो लीटर तीन लीटर आधा लीटर या एक स्पून या नहीं पियो कोई भी, वो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपके पेट के अंदर जो परमात्मा बैठा है, जो जठर अग्नि में, वो भगवान है, वो ही आपको आदेश देगा कि ये अच्छा डालो, कितना डालो, कितनी बार डालो। तो मैक्सिमम दो लीटर चार लीटर तक पी सकते हो, लेकिन इतनी किसी को ज़रूरत नहीं होती है। ये डिटॉक्स बॉडी जब होगा तो बॉडी में से टॉक्सिन निकलने चालू होंगे। तो क्या होता है, तो किसी को फुंसी आ जाती है, फेस पे पिंपल्स आ जाते हैं, या फिर किसी के बाल बहुत झड़ने लगते हैं, या फिर किसी को वॉमिट होती है, किसी को डायरिया हो जाता है, किसी को बहुत पसीना आता है, किसी को बहुत बुखार आ जाता है। तो कुछ भी डॉक्टर के पास भाग के दौड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी बॉडी में से टॉक्सिन निकलना चालू होता है तो 24 आवर्स का निर्जला फास्टिंग कर दो, कुछ वीकनेस नहीं आएगी, कुछ चक्कर नहीं आएंगे। जन्म से लेके हम मरते हैं तब तक सुबह शाम दोपहर रात पेट के ऊपर अत्याचार करते हैं, जैसे डस्टबिन हो वैसे पेट के अंदर सब कुछ डालते रहते हैं। तो अगर हमारे पेट के अंदर डालना हो तो ऐसा अच्छी चीज़ डालो, कोई भी बीमारी आ जाए वो भी चली जाएगी। कुछ भी हो जाए बीच में तो हमारा संपर्क कर सकते हो, डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमें ये थेरापी सूट नहीं होती है। अगर हमें होती है, 40 लाख लोगों को हो गई है, आप भी ज़रूर स्वस्थ हो जाओगे। हॉस्पिटल ना जाना हो तो फ्रूट्स खाइए, सलाद खाइए, जूस पिए, निर्जला कीजिए, एनिमा कीजिए, ऐसा करोगे तो 100 साल तक या भगवान जिंदा रखते हैं तब तक स्वस्थ जी सकोगे। तो आपको ये जूस के बारे में, हेल्थ के बारे में, मोनो डाइट के बारे में कुछ भी पूछना हो तो हमें फ़ोन कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। तो फ़ोन कब करना है, सुबह में 10 बजे से 12 बजे तक। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, और भी आपको क्या क्या बनाना है, वो क्या खाना है, वो भी आप लिमिट में होता है, ऐसा नहीं है कि फिर आप बोलोगे कि ये बना दो वो बना दो वो बना दो। इसकी भी लिमिट होती है कि क्या क्या कच्चा खा सकते हैं, हो सके इतना हम बना के देते हैं। फिर कई कई लोग तो बोलते हैं कि भजिया बना के दो, तो वो सब पॉसिबल नहीं है। हमें पेट भरना है, हमें जीभ को मसाले से समझाना है, फिर ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी बनाते रहे, उलट सुलट पुलट खाते रहें। वैसे तो हमारा आहार फ्रूट है, सलाद है और जूस है, लेकिन लोगों को खाने की बहुत चटाका हो गया है, क्योंकि हमें व्यसन हो गया है खाना खाने का। तो वो व्यसन में से मुक्ति दिलाने के लिए मैं, मुझे जितनी भी आती है वैसी वैरायटी वैरायटी आपको बना के दिखाती रहती हूँ। तो आप ये आपको फीडबैक, आप हमें फीडबैक देना कि आपको कैसी लगी ये जूस थेरापी की, जूस थेरापी से कायाकल्प, मतलब कि वो कोई भी बॉडी में प्रॉब्लम होगा तो चला जाएगा। आपके यहाँ पे बच्चे को जन्म हुआ है, एक साल का है, दो साल का है, फीडिंग फिनिश हो गई है मम्मी की, तो फिर उसके बाद इस ऐसा जूस पिला के ही उसका बड़ा कर सकते हो। गाय का दूध का, गाय का, भैंस का, बकरी का, या पार्लर का, या डेयरी का, एनिमल प्रोडक्ट्स वाला डेयरी मिल्क लाना बंद कर दो, ऐसा अच्छा अच्छा जूस पिलाओ। तो सभी मेडिसिन, वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन हो जाएगा। तो आप स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, मस्त रहो। थैंक यू, आभार, बाय। इसमें जूस पीने की
टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, ये तो परमात्मा का बनाया हुआ है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं टेस्ट कर लूँ, तो ये जो अनार का जूस है वो मैं टेस्ट करके आपको दिखा देती हूँ। बहुत यम्मी है, पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, इतना मीठा है, थोड़ा सा खट्टा है, बहुत टेस्टी है। चाट मसाला डाल के आप पी सकते हो। तो थैंक यू, बाय।